नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा सुपर अस्पताल का बड़ा कारनामा, एक ही दिन में दो ओपन हार्ट सर्जरी, 21 साल के लड़के की और 48 साल की महिला की ओपन हार्ट सर्जरी करके बनाया नया इतिहास। रीवा सुपर अस्पताल में एक ही दिन में दो ओपन हार्ट सर्जरी, बना नया इतिहास। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। रीवा के सुपर अस्पताल की चौथी मंजिल पर आज ये एक बड़ी खबर लेके आई है, एक ही दिन में दो ओपन हार्ट, अपने आप में ये रीवा शहर के लिए बड़ा इतिहास। हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है, मैं इन पूरी टीम से बात करूंगा। सबसे पहले डॉक्टर अक्षय से, किस तरीके से आपने प्लान किया था ये करने के लिए, ओपन हार्ट करने के लिए, और अभी तक कितनी कर चुके हैं आप? ओपन हार्ट सर्जरी ये प्लान हमारा हुआ था जब डॉक्टर राकेश सोनी हमारे नए एमसीएच कार्डियोलॉजिस्ट ज्वाइन किए हैं, और इनका बहुत इच्छा थी कि हम लोग, चूँकि हम लोग ज्वाइन किए हैं तो ये जो सर्जरीज हैं सीटीवीएस की सर्जरीज हैं वो स्टार्ट हों। अभी हम लोग वास्कुलर सर्जरीज तो लगातार कर रहे थे और करीब एक साल में 400 से 500 सर्जरीज सीटीवीएस डिपार्टमेंट में की है, बट ओपन हार्ट सर्जरीज नहीं हो पा रही थी क्योंकि सुविधाओं की कमी थी, डॉक्टर्स की कमी थी, एक सिंगल डॉक्टर्स थे शायद, उसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा था। अब डॉक्टर राकेश सोनी के ज्वाइन करने के बाद हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग यह सर्जरी स्टार्ट करें, और लकीली इत्तेफाक से हमको ऐसे दो मरीज भी प्राप्त मिल गए जिनको अर्जेंट में बाईपास सर्जरी की या ओपन हार्ट सर्जरी की आवश्यकता थी, और इन लोगों को हमने एडमिट करके और एक डेट डिसाइड की ताकि उस तारीख को हम कर सके। चूंकि हमारे पास कार्डियक एनेस्थेटिस्ट की कमी थी, इसके लिए हमने भोपाल से संपर्क किया, भोपाल डीन से बात किया, और उनके यहाँ जो एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेश अवेलेबल थे उनसे बात किया और उनसे परमिशन ली कि वो कौन सी तारीख को अवेलेबल हो सकते हैं। उस तारीख को हमने सारी व्यवस्थाएं की, 17 तारीख उन्होंने डिसाइड की, 17 तारीख को वो भोपाल से यहाँ आए, और 17 तारीख तक हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए थे, जितनी भी, क्योंकि सर्जरीज काफ़ी समय से नहीं हुई थी तो हमें कई चीज़ों की व्यवस्थाएं करनी पड़ी, और वो सभी व्यवस्थाएं होकर सही समय पर ये शुरू हो पाया और सही समय पर ये खत्म भी हो। सही समय पर शुरू हो पाया और सही समय पर हमने सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर दिए ओपन हार्ट के। अब मैं उस शख्स से बात करने जा रहा हूँ, डॉक्टर राकेश सोनी, जिन्होंने ये कारनामा किया, किस तरीके से किया? दोनों ही मरीज काफ़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और दोनों की जल्दी इलाज की जरूरत थी। जो भी संसाधनों की कमी थी, लोकल प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके हमने उसे पूरा किया और सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिला, और जो स्टाफ थे और डॉक्टर थे सभी लोगों से बात करके इनका एक 17 जनवरी को ऑपरेशन प्लान कर लिया हमने। उसके लिए जो भी कमियां थी छोटी बड़ी सारी तैयार करते हुए 17 को ऑपरेशन किया गया, और उद्देश्य एक ही था कि जो हम सुविधाएं प्रदान करें, जो गुणवत्ता हो वो देश के सर्वोत्तम संस्थान जैसे पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली इस लेवल का हो। और मैं बताना चाहूँगा कि इस बार हम कामयाब हुए और 17 तारीख को ऑपरेशन के बाद 21 तारीख को दोनों ही मरीज डिस्चार्ज। अच्छा, बीच में रोकूंगा, तो क्या ये माना जाए कि रीवा का सुपर अस्पताल देश के चुनिंदा अस्पतालों में शामिल हो गया? जी, प्रदेश के तो चुनिंदा अस्पताल में शामिल हो गए हैं, और ऐसा मतलब कोशिश रहेगी कि देश और विदेशों में भी इसका नाम रहे और आगे ऐसी सर्जरी हम लगातार करते रहेंगे। आगे हम लगातार सर्जरी करते रहें, आप लगातार पूरे ऑपरेशन के दौरान, आप जब से प्लानिंग हुई लगातार साथ थे जी। डॉक्टर आलोक, डॉक्टर आलोक, जब आपको ये लग रहा था कि एक ही दिन में दो ओपन हार्ट करनी है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा था कि हम सब कुछ बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगे? आपने की पूरी टीम बिल्कुल तैयार थी? बिल्कुल तैयार थी, हमने पूरी प्लानिंग करी थी। इस ओपन हार्ट सर्जरी में वॉल्व रिप्लेसमेंट में जो टेक्निकलिटी ये होती है, जैसे बाकी अपन करते हैं जो ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं उसमें हार्ट को अपने को रोकना नहीं पड़ता, इसमें क्या होता है हार्ट को रोक देते हैं फिर सर्जरी करते हैं और फिर हार्ट को चलाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए उसके बाद उसके मेन टाइम में उसको एक बाईपास मशीन में उसका पूरा ब्लड सर्कुलेट करते हैं, जो हार्ट का काम है वो मशीन करती है, और फिर उसके बाद ऑपरेशन खत्म होने के बाद फिर हार्ट को वापस चलाया जाता है और उसकी रिदम रेगुलर करी जाती है, और फिर पेशेंट को वेंटिलेटर में रख के और फिर उसको कुछ देर बाद जब सेटल हो जाता है तो वापस लाते हैं। तो हम
तो हमने 12 घंटे के अंदर दोनों पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर ले आए थे जो भी सर्जरी हुई थी, और 24 घंटे में दोनों को ओरली अलाउड कर दिया था, लिक्विड अलाउड कर दिया था। ये बड़ी बात है कि आपने 24 घंटे के अंदर ओपन हार्ट सर्जरी वाले पेशेंट को खाना भी अलाउ कर दिया। इसका मतलब आप 100% सेटिस्फाइड थे कि जो आपने काम किया है वो सबसे बेहतर था। यहाँ जो मशीनरी है, जैसे कि जो मेरी जानकारी है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हार्ट अलग करते हैं, मशीन बॉडी को मशीन में रख देते हैं, वो उससे रेगुलर थी, तो ये मशीनें और कहाँ कहाँ होंगी? ये मशीनें आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगी। मशीनें जस्ट पैसा मांगती हैं, लेकिन काम जो है वो पूरी टीम मांगते हैं और काबिलियत मांगते हैं जी। नहीं, ओपन हार्ट मशीन एक्चुअली दो यहाँ पे थी, एक यहाँ से अभी अपन ने इंदौर भेजी और एक जबलपुर में और एक भोपाल में, टोटल चार प्लेस पे है ओपन हार्ट जी। एमपी में चार मशीन है। तो क्या अब ये माना जाए कि जो ये ओपन हार्ट का सिलसिला आपने चालू किया, रीवा में लगातार चालू रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक यहाँ पर डिपार्टमेंट है और प्रशासन का सहयोग और इच्छा है तो बिल्कुल। मैं इस बात का जवाब ले ही लेता हूँ ना डॉक्टर अक्षय, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे अगर ये सारी सुविधाएं यहाँ मिलती रही तो आपका जो भी सुपर अस्पताल है लगातार नई नई कारनामे कर रहा है, ये निरंतर जारी रहेंगे। आप अपनी पूरी टीम को ऐसे ही सहयोग देंगे जैसे दिया? जैसा कि आप लोगों ने पिछले 2 साल में देखा है कि लगातार ऐसा कोई समय नहीं रहा जब हम नई उपलब्धियां हासिल नहीं कर रहे हैं। उपलब्धियों का सिलसिला रुका नहीं है, रोज नई उपलब्धियां हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। जैसा कि नेफ्रोलॉजी में बात करें तो डायलिसिस यूनिट हमने स्टार्ट किया, 10 डायलिसिस यूनिट मशीनें और लाई गई, वो भी कंटिन्यू काम कर रही हैं। सीटीवीएस में क्योंकि स्टाफ की कभी कभी कमी होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो नई चीज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि हम बाहर से डॉक्टर बुला के, जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका था जिसकी वजह से ये सर्जरी संभव हो पाई। और हमारे लोगों की अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हम हर 15 दिन या 1 महीने में इस तरह की सर्जरी कंटिन्यू करेंगे, इस तरीके की सर्जरी लगातार हम करेंगे। जैसा कि ये आप अपने स्क्रीन पर भी एक टीम देख रहे होंगे, इस टीम ने 2 ओपन हार्ट एक ही दिन में किए हैं। इनका साफ तौर से कहना कि अब ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।